बॉलीवुड के इन हिट गानों में हुई ऐसी फनी मिस्टेक क्या आपने नोटिस की? बॉलीवुड फिल्मों में गानों का अंबार होता है। इन्हें तैयार करने में फिल्म मेकर्स, स्टार्स, कोरियोग्राफर समेत कई टीम मेंबर्स को काफी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ही गाना हिट होता है, इन सभी की मेहनत रंग लाती है। हालांकि फोकस टीम के बावजूद भी इन गानों में कुछ गलतियां हो ही जाती है। इस पैकेज के जरिए एक नज़र डालते हैं बॉलीवुड के पॉपुलर गानों में हुई फनी मिस्टेक्स पर जो आपने नोटिस नहीं की होंगी। सिंगल ब्लिंक के हिट गाने आजा माही में अक्षय कुमार के साथ ट्रेसेमी जैक्सन ने फटी हुई ड्रेस पहनी थी। यकीन नहीं आता तो ये गाना आप दोबारा देख लो। फिल्म एक विलेन के गाने तेरी गलियां के एक सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा श्रद्धा कपूर के ऊपर स्नोगन मशीन से बर्फबारी करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अगले ही सीन में वही श्रद्धा के बगल में खड़े होकर उनकी फोटो खींचते हैं, लेकिन तब भी बर्फबारी जारी रहती है। ये कैसे भाई? रईस में शाहरुख और माहिरा पर फिल्म आया गाना उड़ी उड़ी जाए में, जैसे ही शाहरुख माहिरा खान के कमरे में एंटर करते हैं, उस वक्त वे सलवार सूट पर दुपट्टा नहीं पहनी होती हैं। फिर दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही वे रईस से हाथ छुड़ाकर मुड़ती है, तुरंत उनके गले पर दुपट्टा आ जाता है। कैसे? इसका जवाब अब शायद माहिरा के पास भी नहीं होगा। धूम तीन के कमली कमली गाने में कैटरीना अपने स्विजलिंग डांस मूव से आमिर खान को इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं। धीरे धीरे वे अपने कपड़े उतारते दिखती हैं। पहले सीन में वे दंगली पहने नजर आती हैं, जिसमें उन्होंने ब्लैक रंग के बूट्स खड़ी किए होते हैं। जैसे ही वे इसे उतारती हैं, तो अचानक स्टॉकिंग पहने दिखाई देती हैं। तो आपने सोचा ये स्टॉकिंग कहाँ से आए? जिंदगी न मिलेगी दोबारा के गाने ख्वाबों के परिंदे के इस सीन में जब ऋतिक कैटरीना को छोड़कर जाने लगते हैं, तो वे दोस्त से गाड़ी मांगकर उनके पीछे जाती हैं। लेकिन अगले ही सीन में दूसरी टॉप पहने नजर आती हैं। वैसे भी फिल्मों में हीरो हीरोइनों के कपड़े तो एक सेकंड में चेंज होते दिखाते रहते हैं, लेकिन फ्लो का भी ध्यान रखो भाई। शाहरुख की फिल्म रावण का गाना भरे नैना में जब शाहरुख की मौत होती है, तो उन्हें क्रिश्चियन रीत रिवाज से दफनाते दिखाया गया है। जबकि अगले सीन में इंडिया आकर करीना उनकी अस्थियां विसर्जित करती नजर आती हैं। कभी खुशी कभी गम फिल्म में करीना जब कॉलेज के पोर्म नाइट सालाना जलसे के लिए जाती है, तो ऋतिक उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अलग अलग सैंडल पहन रखी है। इस पर करीना कहती है कि ये फैशन है। इसके बाद वो चली जाती है। हालांकि जब वो पार्टी में पहुंचती हैं, तो उनके पैरों में एक जैसी सैंडल नजर आती हैं। गाना है यू आर माई सोनिया देखो गाना दोबारा। विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी शाहिद स्टारर फिल्म हैदर के गाने बिस्मिल बिस्मिल के बैकग्राउंड में एक टीवी टावर दिखाई दे रहा है। फिल्म कश्मीर में 1990 के दौर को दिखाती है, जबकि उस दौर में वहाँ कोई टीवी टावर था ही नहीं। वही समय और विकास का भी ख्याल रखा करो। भाग मिल्खा भाग को बनाने में डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने काफी मेहनत की थी। हालांकि वे सेट की बारीकियों को देखना भूल गए। फिल्म में कई जगह मोबाइल टावर नजर आ रहे हैं, जबकि 50 और 60 के दशक में मोबाइल ही नहीं था। मेरा यार गाने में सोनम डांस कर रही हैं, उनके पीछे टावर दिख रहा है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सुपरहिट गाने जरा सा झूम लूं मैं के सीन में सिमरन काजोल राज शाहरुख को पूल में खींचती हैं। इस वक्त शाहरुख ने जूते पहन रखे हैं। अगले ही सीन में उनके जूते उतर जाते हैं और वे नंगे पैर पूल में कूद पड़ते हैं। वैसे शाहरुख ने जूते अपने आप कैसे उतार दिए? इसका जवाब शायद वही दे सकते हैं। कभी खुशी कभी गम फिल्म में अमिताभ बच्चन फिल्म के इस सीन में पत्नी के लिए आतिका खंडाला गाना गाते हैं। ये सीन फिल्म के फ्लैशबैक का है, जो साल 1991 के दौरान का था। कमाल की बात यह है कि आतिका खंडाला गाना साल 1998 में आया था, जब आमिर की फिल्म गुलाम रिलीज हुई थी। करण जौहर ने इस बात पर शायद ध्यान ही नहीं दिया। ऋतिक की फिल्म बैंग बैंग के गाने तो मेरी में भी एक बड़ी फनी गलती है जो आपने नहीं देखी होगी। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म के सॉन्ग टू मेरी शुरू होने से पहले ऋतिक दर्द से परेशान दिखाई देते हैं। उनके पैर में चोट थी, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा रहे थे, लेकिन इसके तुरंत बाद वे एक प्रोफेशनल डांसर की तरह डांस करने लगते हैं। कैसे भाई? और शायद मर्द को दर्द नहीं होता।